हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सेस। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ की बोर्ड परीक्षा में जो बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा को हमें लेकर के चलना है और ये हमें प्रूफ करना रहता है। मतलब बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में। हो सकता है कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इजिली तरीके से जो वहाँ पे आप सॉल्व कर पाए। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, रूट में जब भी क्वेश्चन दिया रहे, रूट में जब भी रहे और उसे बोला जाए प्रूफ करने के लिए, तो हमें रूट वाले नंबर जो रूट के अंदर जो संख्या रहता है उसका हमें क्या करना होता है, तो हर का परिमेयकरण करना रहता है। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, तब जाकर वो क्वेश्चन वो आपका बन पाएगा। ठीक, तो इसमें जो है हमारा ये LHS है, तो LHS को लेकर चलना है। और इसमें देखिए, ये यहाँ पे दो टर्म दिया गया, एक मिडिल वाला टर्म दिया गया, एक RHS वाला टर्म दिया गया। तो इसको लेकर चलना है, तो हमें मिडिल वाला भी प्रूफ करना है और ये RHS भी प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसे बोर्ड परीक्षा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। LHS को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS लेने पे। ठीक, LHS लेने पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप ये सीख जाएंगे, बस समझते चलिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट में आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। LHS हमारा ये है रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा, इसको लेकर चल रहे हैं। जब भी रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे तो उसका हमें क्या करना, अगर कुछ नहीं दिखे, कोई फॉर्मूला पे भी अगर बैठने वाला नहीं दिखे, तो हमेशा उसे हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो ऊपर वाला हमारा अंश और नीचे वाला हर है, तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या है, नीचे वाली संख्या से ऊपर में भी गुना और नीचे में भी गुना। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाता है हर के परिमेयकरण में। तो चलिए गुना कीजिए, ऊपर वाली संख्या से ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे में भी गुना करेंगे, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस है तो सिर्फ चेंज हो जाएगा यहाँ पे चिन्ह, ठीक, साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम वन प्लस कॉस थीटा से करेंगे, ऊपर और नीचे सेम से करेंगे। ठीक, अब इसे हम फिर आगे सॉल्व करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ये हर का परिमेयकरण यही होता है। अब देखिए, ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुना करेंगे, नीचे वाले में नीचे वाले से गुना करेंगे। वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू गुना में, ये दो दो बार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दो दो बार है वन प्लस कॉस थीटा, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो बार है, बटे में ये रूट के अंदर ही रहेगा। वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, एक आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, देखिए वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अगर इसे ए मानते हैं इसे बी मानते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए हमारा एक है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉस हमारा बी है, तो बी स्क्वायर। ठीक, चलिए हमने इसको लिख दिया, अब इसे आगे सॉल्व कीजिए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, बटे में रूट के अंदर ही क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, रूट अंडर वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, जैसे है बिल्कुल वैसे लिखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बटे, एक आपको फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा आपके, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, इसको हम उधर भेज देंगे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ रहा है, तो यही ना हमारा यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम साइन को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, क्योंकि ये फॉर्मूला इसके रूप में आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे देखिए, रूट के अंदर में है ये सब, रूट के अंदर में है तो, और उसके ऊपर हमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से हम रूट को हटा सकते हैं, बिल्कुल, स्क्वायर से हम रूट को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ है, वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए, हमें प्रूफ करना था कि मिडिल वाला क्या, वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हमारा मिडिल वाला प्रूफ हो गया कि नहीं, ये हमारा हो गया मिडिल साइड, मध्य पक्ष हमारा प्रूफ हो गया। इसी को लेकर चलेंगे अब हम, तो हमारा RHS भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मध्य पक्ष लेने पर, इसी को लेकर के चल रहे हैं, तो ये हमारा वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, वन बटे साइन थीटा को, वन प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो वन बटे साइन थीटा इसको लिख सकते हैं,
वन बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी दो पार्ट में से हम तोड़ रहे हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको अगर आप फिर एलसीएम लेंगे साइन का, तो इसी रूप में ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे कि वन प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, तो वन प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा। यही ना हमें आरएचएस प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आरएचएस हमारा ये प्रूव हो गया कि नहीं। तो इसी तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए रूट वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, तो उसमें फॉर्मूला कोई लगने वाला नहीं दिख रहा हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे उसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तब जा करके उसको सॉल्व करेंगे, तब आपका जो है फाइनल आपका प्रूव हो पाएगा आरएचएस या फिर एलएचएस। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।